हेलो बच्चों, आज हम लोग 2.3 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी बहुपद का 2 शून्य दिया गया है तो अन्य शून्यों को निकालो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बहुपद में उच्चतम घात माने चर का सबसे ज़्यादा पावर जितना होता है उसका आंसर उतना होता है, मतलब उसमें उतने शून्यक होते हैं। जैसे चैप्टर 2.2 में हम लोग सीखे थे द्विघात बहुपद का शून्य निकालना, तो द्विघात मतलब उसमें घात था पावर 2, इसीलिए हम लोग का शून्यक निकला था 2। अब इस 2.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं तो उसमें बहुपद राशि जो है उसमें उच्चतम घात है 4, अर्थात एक्स का आंसर 4 बार निकलेगा, मतलब शून्यक 4 होगा, जिसमें से 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो गिवेन दिया हुआ है 2 शून्य है √5/3 और −√5/3, अर्थात एक्स का वैल्यू 1 हो गया 5/3 और दूसरा हो गया −√5/3। तो इसको अगर हम लोग सजा लेते हैं तो ये इधर आएगा तो −√5/3 = 0 और इसमें ये इधर आएगा तो +5/3 = 0। अर्थात इससे हम लोग क्या समझे, जो एक्स −√5/3 और x+√5/3 = निकाल लेते हैं। तो ये हम लोगों का a-b और a+b का फॉर्मूला में आएगा, तो a-b इंटू a+b का फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो a यहाँ पर x है तो इसलिए x का स्क्वायर और b यहाँ पर √5/3 है तो उसका स्क्वायर, अर्थात x²-5/3। ये आया, यह जो है दी गई बहुपद कौन है, बहुपद 3x4+6x³ −2x²-10x-5 का एक उत्पादक है। अगर उत्पादक है तो हम लोग 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे थे जो उत्पादक है या नहीं ये हमें सत्यापन करना था, तो हम लोग भाग किए थे, भाग करके भाग से आया था 0, तो उसी का प्रयोग करेंगे अर्थात भाग करेंगे। देयरफॉर x²-5/3 से 3x4+6x³-2x²-10x-5 को भाग करेंगे। तो भाग करने का नियम हम लोग को मालूम है, पहला मिलाना होता है, तो यहाँ संख्या है 1, यहाँ संख्या है 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 2 बार कम है, तो इससे इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ गया 3x4, इससे इसको इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा तो −5x², तो यहाँ पर लिखेंगे यह माइनस ये प्लस ये कट गया ये उतरेगा और ये −++ 5 में से 2 गया 3 ये बड़ा है इसका प्लस, इसके बाद 10x को उतार लेते हैं। अब यहाँ का प्लस यहाँ गया, अब यहाँ देखते हैं संख्या 1, यहाँ 6 है तो 6 से इंटू तो 6 आया, x 2 बार यहाँ 3 बार तो 1 बार चाहिए तो इंटू करेंगे तो 6x³। अब इसी से इसको इंटू करते हैं तो −++ x का घर है तो इसीलिए x के घर में लिखेंगे −++। अब ऊपर नीचे 3 से 6 काटेंगे तो 2 2 5 10 10x, ये माइनस ये प्लस ये कट गया ये भी कट गया तो 3x² और इधर से −5 उतरा। अब यहाँ x² है यहाँ 3x² है तो ये चिन्ह है प्लस तो प्लस हुआ तो हम लोग को सिर्फ 1 है तो 3 से गुना करेंगे तो 3x²
और इससे इसको गुना करेंगे तो ऊपर नीचे थ्री थ्री कट जाएगा तो माइनस फाइव, ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया अर्थात भाग से ज़ीरो। इससे पता चलता है कि जो हम लोग लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री दी गई बहुपद का एक उत्पादक है प्रमाणित करता है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं जी इस बहुपद का जो बहुपद हम लोग को लिए थे थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या आंसर मिला तो इन दोनों को इंटू करके अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, ये तो इसका आंसर तो हम लोग को मालूम है, ये इसका आंसर हम लोग को मालूम है, बस इसका आंसर निकालना है तो इसको सॉल्व किया जाए। अब तो देखा जाता है जे ये जैसे है वैसे लिखते हैं फाइव बाई थ्री। अब इस सब में थ्री कॉमन है थ्री, तो थ्री को बाहर निकालते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। नहीं तो कोई चाहे तो मिडिल टर्म भी कर सकता है इस तरह से, तो यहाँ से थ्री जो है बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया ये हम लोग का ए स्क्वायर प्लस टू एक्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री और इधर आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग का शून्य, इसका शून्य हम लोग का क्या निकलेगा तो दो बार आया, मतलब थ्री एक्स प्लस वन एक बार फिर एक्स प्लस वन एक बार और इधर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। इस थ्री को हम लोग किसी एक में डाल देते हैं तो इसी में डाल देते हैं इसको, तो इधर बचा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। देयरफॉर आइदर थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री एक्स माइनस थ्री तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और इसको लेते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, और इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये हम लोग सॉल्व किए थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई थ्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फाइव बाई थ्री। देयरफॉर निर्णय शून्य क्या क्या होगा माइनस वन माइनस वन और यहाँ पर एक बार रूट फाइव बाई थ्री और एक बार माइनस रूट फाइव बाई थ्री। तो इसी तरह एक तो होमवर्क है तुम लोगों का उदाहरण नंबर नाइन एग्जाम्पल नाइन, तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। अब हम लोगों का चैप्टर टू कंप्लीट हो चुका है तो चैप्टर वन से लेकर टू तक जितने क्वेश्चन है उसको रिपीट करते रहना प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस के अनुसार चैप्टर सिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।